हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोइस सर्च लेक्चर। स्टूडेंट्स, बहुत बच्चों की जो है मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास, कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो थर्ड चैप्टर है क्लास टेंथ से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसकी जो एक्सरसाइज है ऑप्शनल एक्सरसाइज एनसीईआरटी से 3.7 वो करवा दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.7 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो करवाऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सभी बच्चे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए कि ये बोल क्या रहा है, तभी हम इक्वेशंस बना पाएंगे। तो इक्वेशंस बनाने का तरीका सीखिए। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अन्नी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। स्टूडेंट्स, दो फ्रेंड्स हैं कोई, अन्नी और बीजू, जिनकी एजेस का जो डिफरेंस है वो 3 ईयर्स है। ठीक है, एजेस का डिफरेंस मतलब उनमें से कोई एक बड़ा है 3 साल तो दूसरा छोटा है। ये कह रहा है अन्नी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अन्नी। जो अन्नी के फादर हैं धर्म, वो अन्नी की एज के ट्वाइस हैं, और बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। और जो बीजू है वो अपनी सिस्टर कैथी की एज का ट्वाइस है। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। जो कैथी है और धर्म है, जो सिस्टर और उसके फादर हैं, उन दोनों की एजेस का डिफरेंस 30 ईयर्स है। अब वो देखिए, यहां पे बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि धर्म बड़े होंगे, ऑब्वियसली धर्म फादर हैं, कैथी सिस्टर है, तो धर्म बड़े होंगे कैथी से, तो धर्म में से कैथी की एज माइनस होगी, 30 ईयर्स इक्वल रखी जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पे बिल्कुल भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अन्नी बड़ा है या बीजू बड़ा है, क्योंकि दोनों ही फ्रेंड्स हैं, तो इनमें से कोई भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, पहली चीज ये क्लियर हो पा रही है। अब आपसे कह रहा है फाइंड द एजेस ऑफ अन्नी एंड बीजू, तो बताइए अन्नी और बीजू की एज क्या है, प्रेजेंट एजेस। एक काम करते हैं, लेट द, जो पूछा है उसी को लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ अन्नी एंड बीजू बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। ठीक है, मान लेते हैं अन्नी की एज एक्स है और बीजू की एज वाई है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक एक शब्द पढ़िए और इक्वेशंस बनाना चालू कीजिए। अन्नी और बीजू की एज का डिफरेंस 3 ईयर्स है, तो बेटा जब तक हमें पता नहीं है कि कौन किससे बड़ा है, तब तक यह तो एक कंडीशन ये होगी कि अन्नी अगर बड़ा है तो अन्नी की एज में से बीजू की एज माइनस होगी, अन्नी माइनस बीजू 3। लेकिन अगर बीजू बड़ा हुआ तो दूसरी कंडीशन इसमें यह बनेगी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, और यह भी अपने आप में एक इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, क्योंकि अगर बीजू बड़ा है तो बीजू की एज में से अन्नी की एज माइनस करके 3। ठीक है, एक स्टेटमेंट से दो इक्वेशन जब बनती है ना, ये एक ही तो स्टेटमेंट है और उससे दो इक्वेशन बनी है, तो कभी भी इन्हें आपस में सॉल्व नहीं करते। फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व मत कीजिएगा आपस में, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट से बनी हुई है। दूसरी लेते हैं, यहां पे बच्चों आप एक बात बताइए, अगर अन्नी की एज और बीजू की एज एक्स और वाई है, तो बेटा पहले धर्म और कैथी की एज को और निकाल लेते हैं, तभी तो हम ये इक्वेशन बना पाएंगे। तो देखिए, धर्म्स एज कितनी हो जाएगी भाई, हम चाहते तो ऊपर भी बना सकते थे, लेकिन रटना तो है नहीं, पता नहीं था कि बाद में इनकी एजेस की जरूरत पड़ेगी, तो पहले ये बना ली फिर हम निकाल लेते, एक ही बात है। हाँ भाई, धर्म की एज कितनी होगी, साफ साफ बोल रहा है कि धर्म की एज अन्नी की एज का ट्वाइस है, तो 2x। धर्म की एज ट्वाइस है मतलब 2 × किसकी एज का, अन्नी की एज का ट्वाइस है, और अन्नी की एज कितनी है, एक्स। तो बच्चों धर्म की एज हो जाएगी 2x। ऐसे ही बच्चों कैथी की एज क्या होगी, सोचिए जरा। देखिए, उसने आपसे ये बोला है, मैं साइड में करके दिखाऊंगा फिर डायरेक्टली यहां लिखूंगा। उसने आपसे ये बोला है कि बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी। जो बीजू है ना, बीजू देखो यहां रफली करके दिखाता हूं, वो ट्वाइस है कैथी का, ऐसे ही तो लिखेंगे, बी फॉर बीजू सी फॉर कैथी। जो बीजू है वो कैथी की एज का ट्वाइस है, तो बीजू अगर ट्वाइस है तो सी कैथी में मल्टीप्लाई होगा 2 का, क्योंकि बीजू ट्वाइस है। बेटा बीजू अगर ट्वाइस है और बी की एज क्या मानी हमने, वाई, बीजू की एज तो हमने वाई मानी है ना,
तो यहां से स्टूडेंट्स कैथी की एज कितनी आ जाएगी, वाई अपॉन टू। अरे भैया टू नीचे चला जाएगा वाई के, तो कैथी की एज आ गई वाई अपॉन टू। डायरेक्टली निकालिए और यहां पे लिख दिए, वहां निकाल के यहां लिखी है। सबको समझ में आ गया होगा धर्म और कैथी की एज कैसे निकाली। ओके समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखा, समझ में आएगा। ठीक, अब आगे आपसे कह रहा है धर्म और कैथी की एज का डिफरेंस 30 इयर्स है। ठीक, अब ये तो अंडरस्टूड है, अभी पहले भी बता दिया कि था कि धर्म फादर है तो वो बड़े ही होंगे, तो इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन बड़ा होगा, किसमें से किसे माइनस करेंगे। इसमें सीधी सीधी सी बात है कि धर्म की एज में से कैथी की एज को माइनस करके ही रखा जाएगा 30 इयर्स, 30 डिफरेंस दे रखा है। दिस इज इक्वेशन नंबर, चलो अभी मत मानो, थोड़ा टू को सॉल्व कर लेंगे। यहां तक तो क्लियर है ना, धर्म की एज में से ही कैथी की एज माइनस होके 30 रखी जाएगी, क्योंकि धर्म बड़े होंगे, फादर हैं वो। तो बेटा 2 से 2, 2 टू जार 4x माइनस वाई 30। तो ये थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो इक्वेशन बनेगी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, 4x माइनस वाई, 2 का मल्टीप्लाई 30 में किया 60। अब बच्चों पहली इक्वेशन को एक तो थर्ड के साथ सॉल्व कर सकते हैं और सेकंड इक्वेशन को थर्ड के साथ, फर्स्ट और सेकंड को आपस में नहीं कर सकते, एक ही स्टेटमेंट से बनी हुई है। एक एक करके सॉल्व करते हैं, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। स्टूडेंट्स पहली इक्वेशन ये रही x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन क्या है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। एलिमिनेशन तो बहुत बढ़िया तरीके से सीख रखा होगा सबने, कराया हुआ है, मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम थे, y और y साइन भी सेम थे, तो चेंज कर लिए, कैंसिल हो गया। x में से अगर 4x गया तो माइनस का 3x बचेगा, 3 में से 60 गया तो माइनस का 57, तो x की वैल्यू आ गई 19। सॉल्व करना तो जानते ही होंगे, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 19। ठीक है, x आ गया, बच्चों एक काम करिए, पुट कर देते हैं x की वैल्यू 19 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट या थर्ड में से किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में रख दीजिए यहां पे 19। तो बच्चों 19 माइनस वाई इज इक्वल टू अगर 3 है तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16 बचेगा। भाई 19 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 3 माइनस 19 माइनस 16, तो माइनस से माइनस कट के वाई कितना आ गया 16। बच्चों एक केस तो ये बन रहा है, बनाना पड़ेगा, यानी कि अगर बीजू की एज 19 है तो दूसरा जो उसका सॉरी अन्नी नॉट बीजू हमने एक्स मारा, अन्नी की अगर एज 19 है तो बीजू की एज 16 है, एक केस और बनेगा। तो मैं एक काम करता हूं, इस वाले पार्ट को थोड़ा रब कर लेता हूं ताकि जगह हो जाएगी हमारे पास में। और देखिए सॉल्व इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, अब बच्चों सेकंड और थर्ड को करेंगे, फर्स्ट और थर्ड पहले की थी, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे लिखा आपने, बेटा वाई पॉजिटिव का है, प्लस का साइन है आगे, वाई पॉजिटिव का है, एक्स नेगेटिव है, माइनस एक्स, कुछ नहीं किया है मैंने, पहले एक्स का टर्म लिख दिया है बाद में वाई का, बोले क्यों, अरे भाई एक्स और वाई है, एक्स के नीचे एक्स लिखा जाता है, वाई के नीचे वाई लिखा जाता है, तो पहले एक्स को लिखने की वजह से ये माइनस का था तो माइनस एक्स, वाई प्लस का था तो प्लस का वाई लिख सकते हैं। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 जैसा था वैसा मैंने नोट कर दिया, लेकिन इसको अब हटा देता हूं यहां से। मैं देख पा रहा हूं अभी भी y के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनके तो अब साइन पहले से ही अलग थे, प्लस माइनस कट गया। 4x में से x किया तो 3x, यहां पे ये बचा 63, तो स्टूडेंट्स x आ गया 21। मतलब अगर अन्नी इस बार 21 ईयर्स एज का है, पुट करिए x इज इक्वल टू 21 इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड या थर्ड में से ही रख सकते हैं, सेकंड में रख रहा हूं, y माइनस 21 इज इक्वल टू 3, तो y आ रहा है बच्चों 24। तो एक तो ये एज आ रही है और एक ये एज आ रही है, बच्चों दो केसेस बन रहे हैं और बन सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बन कैसे सकते हैं, पहला केस ये है, आप लिखेंगे बकायदा कि एक केस, केस फर्स्ट में अन्नी की एज अगर 19 है
तो बीजू 16 ईयर्स का है, और अगर अन्नी 21 ईयर्स का है तो बीजू 24 का है। ठीक है, देख रहे हैं दोनों में तीन साल का गैप आ रहा है दोनों केसेस में। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब इसके बाद में आप एक लाइन लिखेंगे केसेस बना करके, बस। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है, सभी स्टूडेंट्स देखेंगे समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छा है। वन सेज, एक बोलता है, कोई भी मान लीजिए चाहे फ्रेंड है चाहे कुछ भी है, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड। एक फ्रेंड ने दूसरे से बोला गिव मी 100, मुझे 100 रुपए दे दो, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। बोलता है अगर तुम मुझे 100 रुपए दे देते हो तो मैं तुमसे ट्वाइस हो जाऊंगा अमीरी में, मतलब मुझ पे तुमसे ट्वाइस पैसे होंगे। ठीक है, तुमसे दुगना पैसा हो जाएगा अगर तुम मुझे 100 रुपए दे देते हो तो। द अदर रिप्लाइज, तो दूसरा फ्रेंड बोला पहले वाले से इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे सिर्फ 10 रुपए दे दो, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो जो तुम्हारे पास अमाउंट है मेरे पास उसका 6 टाइम्स अमाउंट हो जाएगा, मैं तुमसे 6 टाइम्स ज्यादा रिच हो जाऊंगा अगर तुम मुझे 10 रुपए दे दो सिर्फ। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल, बताइए उनके पास में स्टार्टिंग में कितना कैपिटल था या कितने रुपीज थे। मान लेते हैं, लेट फर्स्ट, बेटा फर्स्ट और सेकंड करके ही मान लेते हैं, वन अनदर भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। लेट फर्स्ट फ्रेंड हैज एक्स रुपीज, मान लेते हैं पहले वाले के पास में एक्स रुपीज हैं, एंड सेकंड फ्रेंड हैज रुपीज वाई। रुपीज और कैपिटल एक ही बात है। ठीक है, मान लिया पहले फ्रेंड पे एक्स रुपीज है, दूसरे फ्रेंड पे वाई रुपीज है। अब देखिए, सोचिए और एक एक शब्द से इक्वेशन बनाने की कोशिश किया कीजिए। जैसे पहले ने कहा दूसरे से कि गिव मी 100, बेटा अगर पहले को 100 रुपीज मिल रहे हैं, पहला ले रहा है ना 100 रुपीज, तो अभी अगर इसके पास एक्स रुपीज है तो 100 रुपीज लेने के बाद इस पे कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 100। आपके पास अगर अभी 500 रुपए हैं, आपको 100 रुपए और मिल जाएं तो 500 प्लस 100 ही तो करोगे। ऐसे ही ये फर्स्ट फ्रेंड है जिसके पास x थे लेकिन इसे 100 रुपए अगर मिल जाते, ये कह रहा है ना गिव मी 100, तो इस पे x प्लस 100। लेकिन बच्चों ऐसा होने पर जो दूसरा फ्रेंड है जिस पे y रुपीज थे, बेटा उस पे 100 रुपए कम भी तो हो जाएंगे, तो माइनस 100। इस पे कम होंगे और इस पे ज्यादा, क्योंकि दूसरे फ्रेंड ने इसे दिए हैं तो इस पे तो 100 करेंगे प्लस और इससे 100 कर देंगे माइनस। लेकिन ऐसा होने पर हो क्या रहा है, वो कह रहा है आई शैल देन बिकम ट्वाइस। कौन ट्वाइस हो रहा है, पहला फ्रेंड, ये वाला फ्रेंड इसका ट्वाइस हो रहा है। तो बेटा ये ट्वाइस हो रहा है ना, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा। बहुत बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ये वाला ट्वाइस हो रहा है तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। भैया देखो, मैं आपसे एक चीज पूछूं, x इज ट्वाइस ऑफ y, इसका क्या मतलब है? x इज इक्वल टू 2y या 2x इज इक्वल टू y? फिर से सुनना, x इज ट्वाइस ऑफ y, कौन सा स्टेटमेंट सही है? कि x y का ट्वाइस है, यही वाला स्टेटमेंट तो सही है। x इसका मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई, वाई का ट्वाइस। जब आप वाई की जगह यहां पे वन रखेंगे तब जाके एक्स टू आएगा, तो एक्स ट्वाइस आ रहा है कि नहीं, यानी कि जिसके बारे में बोला जाता है उसके ऑपोजिट साइड में वो चीज मल्टीप्लाई की जाती है ना। तो यहां पे ये फ्रेंड अगर इससे ट्वाइस हो रहा है पैसों में, तो ये हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई होगा। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा ये कंफ्यूजन। ये एक्स प्लस 100 ऐसा ही रहेगा, ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y इधर आएगा तो माइनस का, और ये बेटा इधर जाएगा तो माइनस का 300 बचेगा ओवरऑल। क्यों? माइनस का 200 तो आई है, उधर जाके माइनस। ठीक है, दूसरी कंडीशन एंड। दूसरा देखिए,
दूसरे फ्रेंड ने क्या कहा, इफ यू गिव मी 10, तुम मुझे सिर्फ 10 रुपए दे दो। अब ये 10 रुपए दे रहा है, पहला वाला तो दे रहा है और ये वाला 10 रुपए ले रहा है, तो पहले ने दिया है तो -10, इसने लिया है तो इस पर +10। ऐसा करने पर दूसरा कह रहा है ये बात, आई शैल बी 6 times एज रिच एज यू, मैं तुमसे 6 times हो जाऊंगा। तो ये हो जाएगा ना सेकंड वाला है, तो बेटा ये 6 times हो जाएगा, तो इस बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 का। अब पता चल गई होगी, अभी जो बताया ये होगा तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6x 60y+10। बच्चों y इधर आके माइनस होगा, -60 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन सेकंड उधर जाके प्लस होगा, तो 60 और 10 सेकंड। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व इक्वेशन 1 and equation 2। ठीक है, क्या दे रखी है, x-2y = -300 और 6x-y = 70। ये दोनों इक्वेशन अभी तो मैंने नोट किए हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करनी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पे अगर मान लीजिए वाई के टर्म को मैग्नीट्यूड को सेम किया जाए तो यहां पे 2 है, यहां पे तो अकेला वाई है, तो बच्चों एक काम करिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके दोबारा लिखनी पड़ेंगी इक्वेशन आपको, क्या ऊपर वाली तो सेम रहेगी। कुछ बच्चे पूछते हैं मुझसे कि क्या सर दोनों में मल्टीप्लाई करना जरूरी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक में भी कर सकते हैं, इसमें करिए 12x 2y, 2 का मल्टीप्लाई हो गया 140। बेटा दोनों के साइन सेम थे ना, नेगेटिव नेगेटिव, तो साइन चेंज कर दिए। अगर एलिमिनेशन नहीं आता है तो मेरी प्लेलिस्ट देखिए, उसमें एलिमिनेशन मेथड अलग से कराया, पहले वो देखिए, कैंसिल हो गया -11x। बच्चों ये कितना होगा माइनस का 440, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो बेटा एक्स की वैल्यू आ गई 40, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब जो x की वैल्यू 40 आई है उसे किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट या सेकंड में से, फर्स्ट में रख देता हूं, थोड़ी यहां पे जगह कम है, मैं इसे रब करके बता देता हूं। हाँ भाई फर्स्ट में x की जगह रख दिया 40, ये रही फर्स्ट वाली 2y-300। बच्चों ये माइनस का 2y बचेगा, ये 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 340, माइनस से माइनस, y की वैल्यू आ गई 170। तो आप लास्ट में लिखेंगे देयर फोर, पहला कौन था, फर्स्ट फ्रेंड हैज ₹70 एंड सेकंड फ्रेंड हैज फर्स्ट के पास तो 40 है, सॉरी पहला वाला तो x है ना, दूसरा वाला कितना है 170। ठीक है, अब जाके इसका यहां पे जो है खत्म होगा, सेकंड फ्रेंड पे 170 है और पहले पे 40 रुपए है स्टार्टिंग कैपिटल। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, बच्चों नोट कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं, जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर वैदिक मैथ्स क्या होती है, वैदिक मैथ्स कैसे सीख सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें बच्चे मेरे पास वैदिक मैथ्स के लिए भी मैसेजेस करते हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि वैदिक मैथ्स क्या है और इसको हम कैसे सीख सकते हैं। देखिए देखिए बच्चों, मैं आपको ये बता रहा था जो अभी मैंने आपसे कहा कि वैदिक मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अनअकैडमी पर वैदिक मैथ्स ट्रिक की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 10 days की वर्कशॉप होगी पूरी की पूरी, ये क्लास 9th और 10th स्टूडेंट्स के लिए है। आपको इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन विद इन सेकेंड्स में कैसे करते हैं सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, और ये 24th May से स्टार्ट हो रही हैं, तो सभी बच्चे इसे ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है। ये आपके ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को तो शाम को 5 बजे क्लासेस होंगी, संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को शाम को 8 बजे क्लासेस होंगी। ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो बच्चों वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स की क्लासेस आपको ये स्टार्ट हो रही है अनअकैडमी पर 24th से।
एक बहुत बढ़िया बच्चों आपके लिए और एक बात बताता हूँ, जुनून बैच स्टार्ट हो रहा है। बहुत बच्चे महाराष्ट्र बोर्ड के हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर महाराष्ट्र बोर्ड के लिए कैसे क्या है। तो यहाँ पे बच्चों आपका महाराष्ट्र बोर्ड और महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन MTSE दोनों के लिए एक क्लास 10th का जो है बैच स्टार्ट हो रहा है। आपका कंप्लीट कोर्स आ रहा है 26 मई से। बच्चों जो आपका ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो 26 मई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। 30 से ज्यादा लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस होगा आपका। आपको यहाँ पे 100% क्लियरिटी रहेगी कॉन्सेप्ट की। 500 से ज्यादा लाइव आवर्स होंगे मंडे टू सैटरडे। पूरा आपका महाराष्ट्र बोर्ड का और MTSE का सिलेबस कवर रहेगा। 1 मंथ का रिग्रेस आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा, पूरी रिविजन रहेगा इसमें। स्टडी मटेरियल PDF की फॉर्मेट में रहेगा। बैचेस आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। आप कभी भी किसी भी टाइम पे डाउट्स पूछ सकते हैं अपना। और यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगी, टिप्स बताई जाएंगी। अपने घर से आप लाइव और रिकॉर्डेड कभी भी ले सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं मेरे रेफरल कोड MOHIT A के साथ। ये मेरा रेफरल कोड है जिससे आपको 10% ऑफ हो जाएगा। बच्चों इसके साथ ही आपका एक बैच और स्टार्ट हो रहा है, कोर्स और स्टार्ट हो रहा है, मंजिल कोर्स। ये कॉम्प्रिहेंसिव ओलंपियाड बैच है पूरा। यहाँ पे आपको क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं ग्रेड 9th और 10th के वो कवर किए जाएंगे। 500 से ज्यादा लाइव क्लासेस हैं मंडे टू फ्राइडे। 1 महीने का पूरा प्रैक्टिस सेशन रहेगा आपका। सिलेबस कवर रहेगा पूरा ओलंपियाड्स का, मैथ्स और साइंस। जितने भी बच्चे ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इसको ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी। और प्रैक्टिस सेशन मॉक टेस्ट आपके रहेंगे जो कि सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आपके जो है चलते रहेंगे। पूरी 100% कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। PDF की फॉर्म में स्टडी मटेरियल है। 30 से ज्यादा लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस मिलेंगी दोनों लैंग्वेजेस में आपके ये बैचेस हैं। और कभी भी किसी भी टाइम पे लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस आप ले सकते हैं। तो बच्चों आपको प्लस ज्वाइन कर लेना चाहिए अनअकैडमी पर जल्दी से जल्दी। एक टाइम प्लस लेना है बस, उससे आप चाहे मंजिल बैच देखिए, फिर चाहे जुनून बैच में स्टार्ट कीजिए, किसी भी बैच में। और आपको रेफरल कोड लगाना है MOHIT A ताकि 10% डिस्काउंट मिले और मुझसे पढ़ने का मौका। और बच्चों आप यहाँ पर अनअकैडमी की ये टेलीग्राम लिंक है, ऑफिशियल चैनल, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए ये लिंक दिया हुआ है डायरेक्ट, आप यहाँ पे जाके भी ले सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में अपने पेज की लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप जा सकते हैं। बच्चों एक आप लोगों के लिए JEE नीट फाउंडेशन एंड NTSC कैटेगरी में अनअकैडमी की ये कैटेगरी है जिसमें मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पर, प्लस एडुकेटर हूँ। तो वहां पर बच्चों एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आया है, आस्क अ डाउट का फीचर आया है आप लोगों के लिए। इतना जबरदस्त फीचर है जहाँ पे आपको वीडियो बेस्ड सॉल्यूशंस मिलते हैं टॉप एडुकेटर्स के द्वारा सेकंड्स में। जैसे ही आपने अपना कोई डाउट है वो अपलोड किया, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन जैसे ही ओपन करेंगे, किसी के पास अभी तक नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन। ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक आस्क अ डाउट का फीचर जो है वो दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे पिक्चर अपलोड करने के लिए बोलेगा। पिक्चर या तो कैमरे से उसी समय लेके अपलोड कर दीजिए, चाहे गैलरी से। उसके बाद वो आपसे क्लास की पूछेगा, किस क्लास का है, 9th या 10th, डाल दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद तुरंत आपको यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा जिसपे आप क्लिक करके पूरा आपको वीडियो मिलेगा, पूरा सॉल्यूशन समझाया जाएगा कि कैसे आपका जो है डाउट क्लियर होता है या इसका क्या आंसर है। तो बच्चों लेकिन यहाँ पे आपको इसका अगर अवेल करना है, ये जो फीचर है इसका फायदा उठाना है, तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा क्योंकि ये सिर्फ प्लस वाले बच्चों के लिए है। तो जल्दी से जल्दी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लीजिए मेरे रेफरल कोड MOHIT A के साथ में। और बच्चों सारी चीजें मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई हैं, चाहे कोई बैच की लिंक हो, चाहे मेरे खुद के पेज की लिंक हो, आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है उसकी लिंक, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में चेक करिए। आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको रेफरल कोड याद रखना है MOHIT A जो कि आपको लगाना है जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे। और एक आपको चीज ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ JEE नीट फाउंडेशन NTSC कैटेगरी में ही सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि मैं सिर्फ इसी कैटेगरी में पढ़ाता हूँ और किसी गोल में नहीं पढ़ाता। तो आपको यही वाला गोल सिलेक्ट करना है, JEE नीट फाउंडेशन NTSC। बच्चों आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज और है, वो भी बता देता हूँ लगे में लगा जल्दी से, मेगा ऑफर। ये भैया बहुत बढ़िया है कि 31 मई तक बस आपका मेगा ऑफर चल रहा है। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं यानी कि 12 महीने का, तो 3 महीने का आपको फ्री मिलेगा, यानी कि टोटल 15 महीने का मिलेगा।
और अगर आप 24 महीने का लेते हैं, 2 साल का, जो भी बच्चे 9th में हैं 2 साल का ले सकते हैं, तो उन्हें 4 महीने का एडिशनल मिलेगा, मतलब 28 मंथ का मिलेगा टोटल। लेकिन ये ऑफर बच्चों सिर्फ 31 मई तक है, तो जल्दी कीजिए, ऑफर निकल ना जाए, तो जल्दी से आप प्लस ज्वाइन कीजिए। लेकिन बच्चों फिर से मैं वही बोलूंगा, प्लस जब भी ज्वाइन करें जेई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी गोल में ही करें, क्योंकि उसी में मैं पढ़ाता हूँ, जो भी बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं। और एक रेफरल कोड का जरूर याद रखें, मोहित ए, ये रेफरल कोड आपको लगाना है। जब भी आप प्लस लेंगे तो एक ऑप्शन आएगा नीचे, रेफरल कोड, डू यू हैव अ रेफरल कोड, आपके पास कोई रेफरल कोड है तो आप उसमें मोहित ए जैसे ही अप्लाई करेंगे 10% डिस्काउंट हो जाएगा जो भी आपकी टोटल फीस होगी। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी अनअकैडमी प्लस करें, ताकि आप सारी चीजों का फायदा उठा सकें, आज का डाउट फीचर का, मंजिल बैच का, जुनून बैच का, और वैदिक मैथ्स भी आपको पढ़ाई जाएगी। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 10 डेज की वर्कशॉप, इसके लिए भी मैं लिंक दे दूंगा, उसके बाद आप इसको प्लस पे अवेल कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। तो बच्चों जिन भी स्टूडेंट्स को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा पाए। बेल आइकन को हिट करेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो बच्चों चलिए अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।